Hello students, so today we are going to make an angle of 45 degree using ruler and compass only. We will not use protractor or D, hum protractor or D ka use nahi karenge, and we will make an angle of 45 degree. So let's begin. And before making an angle of 45 degree, you know that we will start with 60 degree only. Our base is 60 degree only always. So hume 60 degree बनाना ही है. हमें कोई सा भी एंगल बनाना जो हमें रूलर और कंपास से बनाना है, उसको हम सबसे पहले 60 डिग्री बनाना हमारे लिए जरूरी होता है. सो लेट्स मेक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक वन लाइन. एक लाइन बना लेते हैं. सो आई हैव मेड वन लाइन लाइक दिस. नाउ आफ्टर मेकिंग लाइन विल टेक कंपास. दिस इज कंपास. एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव मेड 90 डिग्री बनाया था, उसको आप वॉच कर लीजिएगा तो आपको 45 डिग्री ईजी हो जाएगा. और so we'll make convenient arc radius. so ये बना लिया हमने एक arc. this is arc. and without disturbing the arc radius, ये जो arc की radius होती है इसको हमें disturb नहीं करना है. and we'll keep the pointer here. ये pointer हमने यहाँ रखा और ये बन गया हमारा 60. 60 is the base of all angles. 60 degree सारी सभी angles का base है जो कि हम ruler और compass से बनाना चाहेंगे. तो 60, देन 60 टू ज़ा 120, ये 60 हो गया और ये 60 टू ज़ा 120, दिस इज 120 डिग्री. नाउ वी हैव टू बाइसेक 90. हमें 90 बाइसेक करेंगे तब 45 मिलेगा, इसलिए हमें पहले 90 बनाना पड़ेगा. सो वील बाइसेक्ट 60 एंड 120 को बाइसेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा 90. दिस इज 60 है और दिस इज 120. जब इसे बाइसेक करेंगे तो हमें मिलेगा 90, तो हम बाइसेक कर देते हैं. तो मोर देन हाफ लेना है, ऑलवेज टेक मोर देन हाफ. जिसको भी बाय से करना है उसका मोर देन हाफ लेना है. तो वन आर्क फ्रॉम हियर और वन आर्क वी हैव टेकन फ्रॉम हियर. सो दिस इज 90. बट 90 इज नॉट रिक्वायर्ड. 90 की जरूरत हमें नहीं है. तो हम जो भी एंगल्स की जरूरत नहीं है उसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये मैंने एक डॉटेड लाइन बना दी जो कि 90 डिग्री की है. दिस इज 90 डिग्री. नाउ this is 90. now we are going to bisect this two. इन दोनों को bisect करेंगे, means 90 degree को bisect करेंगे, we'll get 45. तो जिसको भी bisect करना है उसका more than half लेते हैं. ये full है, ये देखिए पूरा है, इसका आधा, more than half, आधे से ज़्यादा लेना है. और one arc from here and one arc from here. so ये देखिए, ये हमारा बन जाएगा 45 degree. और इसे हम join कर लेते हैं. We'll join it and this I am joining it. So this is 45 degree. This line we can name it. This is P, this is O, this is Q. This angle POQ is 45 degree. And we can check it also using protractor या D से हम check कर सकते हैं. तो ये देखिए हम इसको रख देते हैं 45. 40 और 50 के बीच में आ रहा है, आप चेक कर लीजिए. देखिए जूम कर देते हैं स्क्रीन को, तो ये देखिएगा 40 और 50 के बीच में ये 45 की लाइन आ रही है, 45 आ रहा है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड. सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट हाउ टू मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.